नमस्कार। पेट बार बार साफ होना या दो तीन दिन लगातार दस्त लग जाने, दो तीन दिन कब्ज का रहना, जब इसमें क्या होता है, रोगी का वजन चला जाता है, जोड़ों में कट कट की आवाज़ आती है, धीरे धीरे मन अशांत रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ खिलाने लग जाते हैं, लेकिन असली जड़ तो पेट है, उसको ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में क्या करें, इसको दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं जी IBS की शिकायत होगी, जिसे ग्रहणी या संग्रहणी रोग के नाम से जाना जाता है। तो क्या करें, इसमें बड़ी आंतड़ियाँ सिकुड़न खुलना मतलब अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ये बीमारी हमें हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमें दूध से बने प्रोडक्ट, दही को छोड़ के दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ देने चाहिए। नॉनवेज वगैरह, बाज़ार का तला फला, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए। और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार बताया गया है, वो करने से हम पूर्णता अपनी बीमारी को धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे जड़ से नष्ट कर सकते हैं। इस सब गोल का छिलका लेना है 50 ग्राम, बेलगिरी लेनी है सूखी 50 ग्राम, कूड़े की छाल जिसे कुटज छाल के नाम से भी जाना जाता है या कूड़ा बक्कल के नाम से भी जाना जाता है, लेना है 50 ग्राम। ला के अलग अलग पीस के पाउडर बना लें, फिर एक जगह मिला के किसी डिब्बे में रख लें। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को दही की लस्सी बना के उसके साथ इस्तेमाल करें। और कोशिश करें चावल खिचड़ी या चावल मूंग की दाल, इस तरह का खाना इस्तेमाल करें। कुछ समय लगातार इसी तरह का खाना इस्तेमाल करें, देखते जाएंगे। हाँ, ऐसे रोगियों के लिए केला, चाहे कच्चा हो उसकी सब्जी बना के खाएं, पका हुआ हो दही केला खाएं, या अनार बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, धीरे धीरे ग्रहणी जिसे संग्रहणी, जिसे IBS के नाम से जाना जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये बीमारी आपकी पूरी तरह से नष्ट होती चली जाएगी और आप ठीक होते चले जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।